हेलो जी, हम आ गए हैं। चले आज कोलकाता में आ गए हम, और हम जाएंगे विक्टोरिया मेमोरियल देखने। हाय मेरे रब्बा, आशे पशे एतो योलो कलर टैक्सी, इट्स लाइक अ योलो टाउन। चलो मैं, मेरा गूगल मैप ऑन कर लिया क्योंकि ड्राइवर का मुझे उठा के कहीं भी अगर फेंक दे तो मेरा क्या होगा। और चलो मैं मजाक कर रही हूँ। अरे कोलकाता ट्रैफिक इतने मस्त की है यार, क्या बताऊँ। बहुत ही काम और नीट एक सिटी है, वाव है वाव। हमारा खूब ही भालो लेके चाहिए, इट वॉज सो अमेजिंग। चलो बहुत मजे कर लिया। আসলে আমি আমার গুগল ম্যাপ অন রেখেছিলাম, তখন আমি বুঝতে পারি যে আমি কোন দিকে যাচ্ছি। তখন আই হ্যাড নো আইডিয়া অ্যাবাউট কলকাতাস রোডস এন্ড লোকেশনস। हम तो 4-5 मिनट में पहुंच गए। हमने कौन से सोचे थे कितना दूर होगा। है चलो, मेरा कोई गलती नहीं था। ये जो टैक्सी ड्राइवर था ना, ये ने तो मेरा दिमाग खा लिया था कि ये ने तो उधर रुक ही नहीं सकता, बहुत दूर है, पैसा ज़्यादा चाहिए। और क्या क्या नहीं बोला इसने, बोला था उधर इन लोगों ने पार्क भी नहीं कर सकते। पर देखो देखो, खड़े खड़े टैक्सी खड़े भाई। है मेरे से इतने बड़े झूठ मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। इसने तो मेरे से 500 रुपीज़ मांग लिए, पर उधर एक दादा मिल गए थे, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किए। थैंक यू सो मच दादा, सो मच थैंक यू। उन्होंने मुझे इस टैक्सी ड्राइवर से बचाया और मुझे बोला बस 150 दे दे दीदी, 150 दे दे। चलो छोड़ो ये बात। अब ये देखो इतनी अमेजिंग फ्रंट व्यू ऑफ विक्टोरिया मेमोरियल, मेरा तो दिल ही भर गया था। और वेदर भी इतनी कमाल की थी, मैं क्या बोलूँ। चलो भाई चलो चलो अंदर चलते हैं। बहुत लोग आए थे उस दिन भाई, बहुत लोग थे। খের আমি একটা বাংলাদেশি, সো ইন্ডিয়াতে এসেছি তো হিন্দিতে কথা বলবো না, তো হইতেই পারে না। সো এনজয় মাই ঘটিয়া টাট্টি হিন্দিস। चलो भाई, इधर जाके तो मैं मेरी फैमिली फ्रेंड्स को बहुत मिस किया, क्योंकि ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आप अपनी फैमिली लेकर जा सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और मैं चली गई अकेली, बट द वाइब ऑफ दिस प्लेस वाज सो काम एंड पीसफुल। और अपार्ट फ्रॉम जो दिस एक्सपीरियंस वाज सो एक्सपेंसिव फॉर मी, ये एक्सपीरियंस मैं हमेशा मेरे साथ मेरे पास रखूंगी, और हमेशा ये एक्सपीरियंस यादगार रहेगा मेरे लिए। चलो कुछ देर बाद मुझे याद आया है हमें तो पिक लेना है, वरना लोगों को कैसे यकीन डालूंगी मैं इधर आई थी। फिर मैंने खुद ही पिक्चर लेने लग गई अपने आप से, क्योंकि मुझे कोई नहीं मिला जिसको मैं बोलूंगी चलो भाई मेरे एक फोटो ही खींच दे। फिर मैं कुछ देर तक बाहर ही बैठी रही और इन्वायरमेंट को इंजॉय करती रही। चलो भाई हम बहुत बाहर घूम ले, चलो अब अंदर चलते और देखते। वाओ, इट वाज एन अमेजिंग आर्किटेक्चर। मेरी तो आंखें, मतलब क्या बताऊँ मैं, मेरे पास कोई ऐसी है ही नहीं जो मैं बता सकती हूँ, कोई वर्ड कोई लफ्ज़। मुझे इतना अच्छा लगा आर्किटेक्चर्स, और फुल ऑफ नॉलेज, सारे हिस्टोरिकल चीज़ें इधर रखी हुई है। देखो नेताजी की टूपी भी है। मैंने इतनी लकी फील कर रही थी कि मैं इस प्लेस पे आ पाई और इन सारे बारे में पता लगा पाई। देखो देखो जी, ये कौन है, क्यों नहीं, ये तो मैं हूँ। चलो आप लोगों को दिखाते हैं सारे हिस्टोरिकल चीजें जो रखी हुई है। ओके चलो अब मैं दूसरी साइड पे इंटर कर रही हूँ इस म्यूज़ियम का। और इधर भी इसके आर्किटेक्चर मुझे इतनी कमाल की रखी और इतनी फैंसी लगी कि मैं ऐसी आर्किटेक्चर
बहुत रेयर देख चुकी हूँ। और यहाँ पे सारी हिस्ट्री लिखी हुई है कि कब क्या हुई थी, नेताजी ने क्यों कांग्रेस छोड़ दिया था, सारी हिस्ट्री इसमें रिटन है। सो यू कैन गेदर मैनी मैनी नॉलेज फ्रॉम हियर। और इस प्लेस ने ना तुम्हारे बहन को बहुत ही सुकून की वाइब्स दिया है, बहुत ही सुकून की। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस नॉइज और एवरीथिंग, मैं अकेले विजिट कर रही थी इंडिया, और जो लिबर्टी मैंने फील किया वो मतलब वो फील मैं बता नहीं सकती। तो दोस्तों मैं आज जा रही हूँ, मैं इस मेमोरियल से बहुत सारे मेमोरीज लेके जा रही हूँ। आप लोगों के साथ मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो पे, जहाँ पे मैं कोलकाता की और भी प्लेसेस विज़िट किया है। अल्लाह हाफिज़।